मुखिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैनपुरी से खबर है, भीड़ खदेड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, सपा समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पुलिस को हॉट टॉक किया है। बता दें मैनपुरी में मतगणना स्थल मैनपुरी ब्लॉक का पूरा मामला है। तो देखिए आपको जानकारी दे दें, जहां पुलिस पर ही पथराव किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी से खबर है, जहां भीड़ खदेड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। सपा समर्थकों ने पुलिस पर किया है पथराव। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया है हॉट टॉक। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी के मतगणना स्थल पर मैनपुरी ब्लॉक का पूरा मामला है, जहां सपा समर्थकों ने पुलिस पर किया है पथराव। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक मैनपुरी से पहुंचा रहे हैं। भीड़ खदेड़ने गई पुलिस पर पथराव कर दिया गया है। और देखिए आरोप जो है ये सपा समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया है। आपको ये भी जानकारी दे दे, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पुलिस की हॉट टॉक। आपको जानकारी दे दे, मैनपुरी के मतगणना स्थल मैनपुरी ब्लॉक का पूरा मामला है, जहां पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। और ये पथराव बताया जा रहा है सपा समर्थकों ने किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी मैनपुरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ खदेड़ने गई पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया, और ये पथराव जो है समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने पथराव किया है। आपको जानकारी दे दे, बड़ी खबर लगातार देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर है, मैनपुरी के मतगणना स्थल मैनपुरी ब्लॉक का देखिए पूरा मामला है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर पथराव करते हुए सपा समर्थक जो है वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां भीड़ खदेड़ने गई पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। सपा समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने देखिए आपको यह भी बता दें, मैनपुरी की मतगणना स्थल मैनपुरी ब्लॉक का पूरा मामला है, जहां सपा समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आपको जानकारी दे दें, जिस तरह भीड़ वहां पर लगी थी उस दौरान पुलिसकर्मी जो है भीड़ खदेड़ने गए थे, लेकिन वहीं पर आपको बता दें सपा समर्थक मौजूद थे और सपा समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पुलिस की हॉट टॉक, तो देखिए वो तस्वीरें भी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। देखिए इस वीडियो में आप देखिए, वहां पर तमाम संख्या में देखिए समर्थक भी मौजूद है, पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में मौजूद है। ऐसे में पुलिस जो है वहां पर पहुंची हुई थी कि किस तरह भीड़ को काबू किया जाए, लेकिन वहां पर जो सपा समर्थक है उन्होंने पुलिसकर्मियों पर ही पथराव कर दिया। वीडियो भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, जहां तमाम समर्थक जो है वो पुलिसकर्मी से भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में देखिए सपा समर्थक भी मौजूद है, वही पुलिसकर्मी भी मौजूद है। जब पुलिसकर्मी उन्हें समझाइश दे रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि भीड़ ना लगाएं, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि सपा समर्थक जो है उन्होंने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। वीडियो आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। मैनपुरी से खबर देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के चंदौली नगर पालिका परिषद के पीडीडी यू नगर के अध्यक्ष पद पर आपको बता दें, देखिए आपको जानकारी दे दें कि नगर पालिका प्रत्याशी सोनू किन्नर ने आरोप लगाया है बीजेपी और प्रशासन पर। देखिए ये बड़ा आरोप लगाया गया है, आपको बताएंगे आरोप क्या है। जीत के बाद प्रमाण पत्र ना देने पर किन्नरों का ये हंगामा हुआ है। वीडियो आप देखिए, बीजेपी और प्रशासन पर किन्नरों ने ये बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि जीत के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है प्रत्याशी को, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि देखिए मुख्य गेट पर ही किन्नर जो है वो पहुंचकर हंगामा काटते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी से भी देखिए उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए साफ आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि जीत के बाद प्रमाण पत्र ना दिया गया, जिसके बाद इन्होंने ये हंगामा किया, और वही ये बीजेपी और प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए बड़ा हंगामा
देखने को मिला है। मुगलसराय नगर पालिका चुनाव में ये हंगामा देखने को मिला है, जिसका तस्वीरें और वीडियो जिसकी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे किन्नर समुदाय के तमाम जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिसकर्मियों से देखिए उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जीत के बाद इन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, और देखिए किन्नरों का यह भी कहना है कि इनके साथ नाइंसाफी की गई है, और वही वो बीजेपी और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका प्रत्याशी ने देखिए यह हंगामा किया है, सोनू किन्नर ने ये आरोप लगाया है। वीडियो देखिए आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं।